हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। और आज मैं जिन दो फॉर्मूले के बारे में बात करने वाला हूँ उनमें से एक है रैंड और दूसरा है रैंड बिटवीन। तो आप ये मत सोचिए कि एक्सेल में ये दोनों फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं। देखिए, ये एक्सेल के दो अनमोल रतन हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन से फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ तो रैंड बिटवीन सबसे पहले नंबर पर आएगा। ध्यान से सुनिए, रैंड बिटवीन सबसे पहले नंबर पर आएगा। क्यों? इसका रीजन भी है। देखिए, कोई एक्सेल में एक्सपर्ट होता है या कोई सीख रहा होता है, दोनों ही केसेस में आपको डेटा के ऊपर काम करना ही पड़ता है कोई ना कोई फॉर्मूला सीखने के लिए। एक प्रैक्टिस डेटा हमें हमेशा बनाना पड़ता है कि जिसके ऊपर हम कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकें। अगर हम मैनुअली वो डेटा बनाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो रैंड बिटवीन के थ्रू आप एक प्रैक्टिस शीट इतनी जल्दी बना सकते हैं और बिना किसी एफर्ट के। तो वही मैं आज इस टॉपिक में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड रख दी है, नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी, कमीशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सारे नेम लिख दिए हैं, मगर उसके अलावा सारी फील्ड है ब्लैंक। तो जितनी भी ये फील्ड ब्लैंक है, इन सभी को हम रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से इंसर्ट कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रैंड बिटवीन से आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते, आप न्यूमेरिकल करा सकते। सबसे पहले मोबाइल नंबर इंसर्ट कराते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले से। तो टाइप करते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, और देखिए इसका सिंटेक्स क्या कहता है। सिंटेक्स कह रहा है कि यहाँ पे आप एक बॉटम वैल्यू डालिए और कॉमा देखिए एक टॉप वैल्यू डालिए। तो सबसे पहले हम कम वाली वैल्यू डालेंगे और सबसे ज़्यादा वाली लास्ट में। तो अगर हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर इंसर्ट कराना है तो हमें कम से कम 10 डिजिट चाहिए होंगी। तो कम से कम 10 डिजिट हम एंटर कराएंगे बॉटम में और 10 टॉप में। तो 9 की सीरीज ले लेते हैं, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमा, और यहाँ पे मैं 10 डिजिट देता हूँ सिर्फ 9 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ब्रैकेट देके एंटर। तो देखिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आ गया है, और मैं इसे नीचे अगर पेस्ट करूँ तो एक अच्छी सी सीरीज मिल गई। आप कितनी भी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं रैंड बिटवीन से, मगर अगर आप कहीं पे कुछ लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अभी वैल्यू में नहीं है। आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके राइट क्लिक दबाइए और ये पेस्ट स्पेशल में आके जो सेकेंड होता है ये वैल्यूज आप क्लिक कर दीजिए, और इसका शॉर्टकट होता है Alt+ESV। तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी इक्वल टू रैंड बिटवीन, तो बॉटम मैं 15,000 डाल देता हूं और मैक्स में 40,000, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो नीचे तक इंसर्ट कराते हैं। तो देखिए नॉर्मली जो हमारी सैलरी होती है वो लास्ट में 00 में होती है, यानी कि एक प्रॉपर फिगर होता है 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, बट यहां पे फिगर लास्ट में किसी में 1 आ रहा है, किसी में 5, किसी में 7। तो अगर ऐसा डेटा आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, रैंड बिटवीन में जाइए और तो उसकी जो लास्ट की 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू या 1, आप कोई भी हटा दीजिए, आपको जितने चाहिए। तो चलिए मैं आपको 2 हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से भी 2 हटा देता हूँ, और स्टार्टिंग में इंसर्ट कराता हूँ कॉनकैटिनेट फॉर्मूला, और इसके बाद लास्ट में जाता हूँ, डबल कोट डालता हूँ और 2 0 डाल देता हूँ जो हमने पहले हटाई थी, और डबल कोट देके ब्रैकेट बंद। तो देखिए इससे क्या होगा कि एक रैंडम वैल्यू निकलेगी 150 से 400 के बीच में, और उसके बाद ऑटोमेटिकली 2 0 ऐड हो जाएंगे जिससे एक प्रॉपर फिगर आएगी। तो मैं एंटर मारता हूँ, तो देखिए अब मैं इसे नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं अब एक प्रॉपर वैल्यू है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर वैल्यू है सैलरी में। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देख लेते हैं रैंड बिटवीन से कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन और बॉटम, तो देखिए बॉटम में हम सबसे कम डेट रखेंगे, तो डेट एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है तो इसे हम डबल कोट में लिखते हैं, तो इसे डबल कोट में लिखा जाता है। तो कम वाली डेट में पहले डालता हूं 2000 और डबल कोट कॉमा, एक मैक्सिमम डेट डाल देता हूं डबल कोट 2017, ओके, और इसमें भी ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक डेट आ गई है, और मैं इसे नीचे तक इंसर्ट करा देता हूँ तो एक प्रॉपर फिगर हम पे आ गया है। इसके बाद हम सबसे पहले इन सभी को वैल्यूज बना देते हैं, और अब कमीशन की बात करते हैं। देखिए कमीशन मोस्टली प्रॉपर फिगर नहीं होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है लेकिन वो डेसिमल में होती है। तो डेसिमल के लिए
एक्सेल में रैंड का फॉर्मूला है जो जितनी भी जीरो और वन के बीच में डेसिमल वाली वैल्यू होगी वो आपको देगा। तो मैं आपका सिंटेक्स दिखा देता हूँ। इक्वल टू, देखिए इसमें आपको, तो इसमें आपको कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है, आप बंद करें और एंटर। तो देखिए यहाँ पे जीरो से वन के बीच में ऑटोमेटिकली रैंडम वैल्यू दे दी है। अगर आप चाहते कि आपकी कंपनी का कमीशन ज़्यादा है, तो मान लीजिए 5 है, तो आप इनटू 5 कर दीजिए और एंटर। तो अब जीरो से जीरो से 5 के बीच में जितने भी डेसिमल में वैल्यू आएंगी उनको ये रैंडम आपको दे देगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रैंड बिटवीन के थ्रू हम पूरा डेटा बना सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। तो नेक्स्ट संडे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर। बाय बाय।